आज मैं आप लोग को अलंकार के बताऊंगा। यह तीन प्रकार का आता है। पहला बता रहा हूँ, यह पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही कम ही समय में आप लोग को छोटा में बताऊंगा, जिससे आप लोग को याद हो सके। ठीक है, पहला है उपमा अलंकार। इसका परिभाषा इस प्रकार है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वह उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, अब मैं आप लोग को रूपक अलंकार बताऊंगा। इसका परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ उपमेय में उपमा का भेद रहित, ठीक है, भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है, चरण कमल बंधो हरि राही। ठीक है, इसका उदाहरण है, चरण कमल बंधो हरि राही। तीसरा जो है उपेक्षा अलंकार। परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमा उपमान की समान भावना की जाए, वहाँ उपेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, अति कटु वचन कहत के कई मनहु लोन जरे पर देही। एक बार और देख लीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उपेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, अति कटु वचन कहत के कई मनहु लोन जरे पर देही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखकर हमसे चैट कर सकते हैं। ठीक है।